बिजनेस में सक्सेस कौन नहीं चाहता, सबको ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो भी लो रिस्क पर। तभी तो फ्रेंचाइज बिजनेस काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। एक टाइम ऐसा था जब स्टार्टअप शुरू करने वालों की कोई कमी नहीं थी, तो आज फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने वाले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या है फ्रेंचाइज बिजनेस में, और ये फ्रेंचाइज बिजनेस होता क्या है, ये स्टार्टअप से किस तरीके से अलग है, इसके फायदे क्या है और क्या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, किस तरह का प्रोसेस होता है इस फ्रेंचाइज बिजनेस का, और कितनी कॉस्ट होती होगी ऐसे बिजनेस को शुरू करने में, यही सब आप जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर, क्योंकि यहाँ पर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो फ्रेंचाइज एक जॉइंट वेंचर होता है एक फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी के बीच। फ्रेंचाइजर ओरिजिनल बिजनेस होता है जो अपना ब्रांड नेम और आइडिया यूज करने के राइट जिसे सेल करता है उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, और फ्रेंचाइजी उस बिजनेस के राइट्स को खरीदता है ताकि फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर सके। इसके लिए उसे एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल और ट्रेडमार्क के अंडर काम करना होता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ये KFC की फ्रेंचाइजी है तो वो लैक्मे की, इसका मतलब क्या है, यही कि लैक्मे जैसे ब्रांड की गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के राइट किसी फ्रेंचाइजी ने लैक्मे ब्रांड से खरीदे हैं और किसी फ्रेंचाइजी ने KFC ब्रांड से ये सारे राइट्स खरीदे हैं। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस का मतलब क्या हो गया, यही कि एक पहले से एस्टैब्लिश्ड बिजनेस से उसके ब्रांड नेम ट्रेडमार्क को यूज करने का लाइसेंस लेना और उस ब्रांड की एक्सपर्टीज का यूज करके अपना बिजनेस शुरू करना। अब जिसने बिजनेस लाइसेंस दिया वो कंपनी फ्रेंचाइजर, और जिसने लाइसेंस और परमिशन ली वो फ्रेंचाइजी, और इस तरीके से स्टार्ट किया गया बिजनेस फ्रेंचाइज बिजनेस। अब ये जानते हैं कि इस तरह के बिजनेस से क्या फायदा होता है और ये स्टार्टअप से किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है फ्रेंचाइज बिजनेस का कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पहले से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का नाम आपको मिल जाता है। स्टार्टअप की तरह सब कुछ जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सक्सेस के चांसेस हाई होते हैं, पेरेंट कंपनी यानी फ्रेंचाइजर का सपोर्ट साथ होता है। स्टार्टअप की तरह सब कुछ अकेले नहीं करना होता। मार्केटिंग का ज्यादा प्रेशर नहीं होता क्योंकि वो ब्रांड नेम मार्केट में ऑलरेडी नोन होता है। इसमें स्टार्टअप के कंपैरिजन में रिस्क भी काफी लो होता है। यूं तो स्टार्टअप और फ्रेंचाइज दो अलग अलग और एक्सीलेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ऐसे पर्सन को फ्रेंचाइज चूज करनी चाहिए जो लो रिस्क पर फ्रेंचाइजर की गाइडेंस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंचाइज स्टार्ट करने के लिए जिसके पास सफिशिएंट बजट भी हो और पेरेंट कंपनी की कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उसके लिए आसान हो। और स्टार्टअप ऐसे पर्सन के लिए है जो स्क्रैच से स्टार्ट करने को तैयार हो लेकिन जिसे फुल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में वो अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल एंड कमांड रख सकता है, फ्रेंचाइज में नहीं। ऐसे में उसे हाई रिस्क और हाई एफर्ट्स के लिए भी तैयार रहना होगा। तो मतलब ये हुआ कि फ्रेंचाइज बिजनेस के अपने फायदे और ड्रॉबैक्स हैं, तो स्टार्टअप के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। और इस कंपैरिजन से आप समझ तो गए होंगे कि आपके लिए फ्रेंचाइज बिजनेस परफेक्ट रहेगा या स्टार्टअप। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस वर्क कैसे करता है। एक फ्रेंचाइज के स्टार्ट होने के लिए फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर कंपनी को फी पे करता है और एग्रीमेंट भी साइन करता है, और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही फ्रेंचाइज उस फ्रेंचाइजर कंपनी की एक न्यू ब्रांच ओपन कर सकता है। इस बिजनेस में फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप होता है। दोनों ही उस ब्रांड की सक्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस की शुरुआत में फ्रेंचाइजर कंपनी ट्रेनिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फ्रेंचाइजी की हेल्प करती है। फ्रेंचाइजर के सपोर्ट से ये नया फ्रेंचाइज बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देता है और इससे दोनों को फायदा होता है। फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजिंग फी मिलती है जिसका यूज करके ब्रांड एंड बिजनेस को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके जरिए बिजनेस का फास्ट एक्सपेंशन पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारे लोकेशंस पर फ्रेंचाइज ओपन होने से ब्रांड को बेहतर रिकॉग्निशन मिलता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह बने रहना पॉसिबल हो पाता है। वहीं फ्रेंचाइजी को बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज मिल जाती है, और फ्रेंचाइजर की मदद से लोन्स के लिए इजी एक्सेस भी मिल जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फ्रेंचाइज ओनरशिप भी कई तरह की हो सकती है, यानी सिंगल यूनिट, मल्टी यूनिट और मल्टी यूनिट एरिया डेवलपमेंट,
सिंगल यूनिट फ्रेंचाइज मोस्ट कॉमन टाइप है फ्रेंचाइज ओनरशिप का। इसमें एक फ्रेंचाइजी के पास एक सिंगल ब्रांच ही होती है फ्रेंचाइज की। वहीं मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज ओनरशिप में एक फ्रेंचाइजी जब एक ब्रांच को सक्सेसफुली रन करने लग जाए तब वो उसी फ्रेंचाइजर कंपनी की और ब्रांचेस भी ओपन कर सकता है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में एक स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करनी हो तो उसे मल्टी यूनिट एरिया डेवलपमेंट कहा जाता है। और अब ये देखिए कि हमने थोड़ी देर पहले कुछ एग्रीमेंट की बात की थी ना, जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच होता है फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए इस लीगल एग्रीमेंट में किस तरह के सेक्शंस होते हैं इस बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे सेक्शंस के बारे में। ट्रेडमार्क यूजेज, इस सेक्शन में उन ट्रेडमार्क्स और लोगोस की लिस्ट होती है जिसे फ्रेंचाइजी यूज कर सकता है। इससे जुड़े रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान से देख लेना चाहिए। फ्रेंचाइज लोकेशन, इस सेक्शन में उन एरियाज की बात होती है जिनमें फ्रेंचाइजी को ब्रांच ओपन करने की परमिशन होती है। आपके लिए ये लोकेशन सूटेबल है या नहीं ये आपको चेक कर लेना चाहिए। फ्रेंचाइज टर्म्स, इसमें एग्रीमेंट से जुड़ी जानकारियां होती है जिसमें ये देख लेना चाहिए कि एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए है, क्या फ्रेंचाइजी के तौर पर आपको एग्रीमेंट रिन्यू करवाने का राइट है, और ऐसी ही और भी जरूरी जानकारियां इस सेक्शन में होती हैं, जिन्हें समझकर और सेटिस्फाई होकर ही साइन करना चाहिए। फीस फॉर फ्रेंचाइजी की बात करें तो इस सेक्शन में फ्रेंचाइज खरीदने से रिलेटेड सभी मैंडेटरी फीस की जानकारियां होती है। ऐसे में आप चेक कर सकते हैं कि इनिशियल फीस क्या है, रॉयल्टी पेमेंट कितना है, ऐसी बहुत सारी बातें। अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फ्रेंचाइजर। इस सेक्शन में फ्रेंचाइजर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं, जिनमें ये सब होता है। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू मेंटेन एंड सबमिट द रिकॉर्ड्स, और आगे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड सेक्शन में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लिखे होते हैं, जिनमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नीडेड एंड शेयर्ड बाय द फ्रेंचाइजर, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स, द अप्रूव्ड सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, वर्किंग आवर्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। इनके बारे में भी ध्यान से पढ़िएगा। और अग्रीमेंट रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द अग्रीमेंट इस सेक्शन में एग्रीमेंट के बाद फ्रेंचाइजी को मिलने वाले राइट्स का जिक्र होता है। फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट ट्रांसफर की डिटेल्ड जानकारी होती है और फ्रेंचाइज अग्रीमेंट रिन्यूअल की भी सारी डिटेल्ड जानकारियां होती है। इस तरीके से इस लीगल एग्रीमेंट में वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो आपके लिए सूटेबल भी होने चाहिए। इसलिए इस अग्रीमेंट को अच्छी तरह पढ़कर समझकर साइन करें ताकि आपको फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और बिजनेस आपके लिए फायदे का सौदा ही साबित हो। तो फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद क्यों ना इसकी कॉस्ट और बिजनेस आइडिया के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। तो देखिए, इंडिया में फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए जो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ बेस्ट ऑप्शंस ये हैं। नंबर एक पर है ब्यूटी एंड वेलनेस फ्रेंचाइज बिजनेस। इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लैक्मे सलोन, लॉरियल, जावेद हबीब सलोन जैसे ब्रांड्स मिल सकते हैं। नंबर दो पर है फूड एंड बेवरेज फ्रेंचाइज बिजनेस। इसमें बेस्ट फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज देने वाले टॉप ब्रांड्स हो सकते हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवेज और स्टारबक्स एसेट्रा। नंबर तीन पर हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको इन टॉप ब्रांड्स में मिल सकती है, अपोलो क्लिनिक, डॉक्टर बत्रास, थायरो केयर एसेट्रा। नंबर चार पर है रिटेल फैशन एंड ज्वेलरी फ्रेंचाइजी बिजनेस। इसमें टॉप ब्रांड्स जो अच्छी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करते हैं वो हो सकते हैं मान्यवर रिटेल, मैक्स रिटेल, रेमंड रिटेल, बीबा रिटेल और रिलायंस जूल्स एसेट्रा। और नंबर पांच पर है ऑटोमोटिव फ्रेंचाइज। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट और बिगेस्ट फ्रेंचाइज बिजनेस में से एक है ऑटोमोटिव फ्रेंचाइज। और इसके टॉप ब्रांड्स जो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो है कार स्पा फ्रेंचाइज, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस फ्रेंचाइज, हीरो मोटोकॉर्प फ्रेंचाइज और BSA साइकिल्स फ्रेंचाइज। तो ये तो वो इंडिया में फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होल्ड करने वाले बिजनेसेस। अब अगर फ्रेंचाइज बिजनेस की कॉस्ट का अंदाजा भी लेना चाहे तो पतंजलि जैसे ब्रांड की फ्रेंचाइज लेने के लिए अप्रॉक्स 7 लाख का इन्वेस्टमेंट जरूरी होगा। डोमिनोज की फ्रेंचाइज के लिए मिनिमम 30 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अगर आप फर्स्ट क्राई ब्रांड की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए का होगा।
लैक्मे बिजनेस के फ्रेंचाइज के लिए 25 लाख तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। डॉक्टर बत्रास क्लिनिक के फ्रेंचाइज के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। फैब इंडिया जैसे ब्रांड की फ्रेंचाइज के लिए 40 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होगा और हीरो मोटोकॉर्प की फ्रेंचाइज के लिए 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जरूरी होगा। वहीं DTDC कुरियर की फ्रेंचाइज के लिए ये इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का हो सकता है। वैसे यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में वेरिएशन आपको मिल सकते हैं और ये टॉप ब्रांड्स की फ्रेंचाइज कॉस्ट है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से सक्सेसफुल ब्रांड्स होते हैं जिनकी फ्रेंचाइज आपके सूटेबल और एक्सपेक्टेड बजट में मिल सकती है, इसलिए फ्रेंचाइज के लिए इंडस्ट्री और ब्रांड चूज करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर से करें। कॉम्पिटिशन को समझे, अपने इंटरेस्ट और बजट को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े और अपने लिए बेस्ट सूटेबल फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने के लिए सही फ्रेंचाइजर को अप्रोच करें। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा रिस्क लेने का एटीट्यूड लेकर के चलेंगे तो आपको सक्सेस जरूर से मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द। और अब तो आपके पास फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड जानकारियां भी आ गई हैं, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाइए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।